मॉर्निंग एवरीवन, आज हम देखेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें बोला जाता है लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, 1/8, 3/8, 7/8 एंड 11/8 एक्सेट्रा आर लाइक फ्रैक्शन। देखिए आप इधर, इनके जो डिनोमिनेटर हैं सभी सेम है, तो इनको कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। ओके, अब आते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस पर। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या है वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर कैसे रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, उन्हें बोला जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 5/17, 9/23, 12/29, 37/46 एक्सेट्रा आर अनलाइक फ्रैक्शन। ये क्या है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इन्हें बोला जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन किस टाइप से भी चेंज किया जाता है, ये हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। और क्या है, इनकी इनको कंपेयर कैसे किया जाता है फ्रैक्शन को, ये भी हम एक्सरसाइज के जब हम क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, हम आपको उसमें हम बता देंगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 5.4। राइट 3 लाइक फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विद डिनोमिनेटर। ठीक है, जो हमें ये डिनोमिनेटर दिए हैं, हमें इनके क्या बनाना है, लाइक फ्रैक्शंस बनाना है। ठीक है, क्या है ये 5.4, क्या है हमें 3 दिया है, तो ये क्या है डिनोमिनेटर दिया है, तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे हम ले लें 1/3, 2/3, 5/3, कुछ भी, ये क्या बन गए, ये क्या है आर लाइक फ्रैक्शंस। ठीक, इस टाइप से आपको जो दिए 5 है तो डिनोमिनेटर आपको 5 लेके चलना है। ठीक है, और आप न्यूमरेटर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जैसा आप चाहो वैसा आप ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। ये सी टाइप से ये 21 दिया है डिनोमिनेटर, ये 12 दिया है, 8 दिया है, ये 5 दिया है। ठीक है, न्यूमरेटर आप कोई भी अपने मन से, ठीक है, ले सकते हो। नाउ विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, हमें बताना है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है जो ग्रेटर है। तो देखिए आप इसको ध्यान से, 3/5 और 2/5। ठीक है, यहाँ क्या है हमें बताना है, इधर इसकी डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम न्यूमरेटर देखेंगे कि किसका न्यूमरेटर जो है वो क्या है, ग्रेटर है या लेसर है। ठीक है, वो अगर जो ग्रेटर होगा, जो जिसका भी न्यूमरेटर जिस, ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, तो इसमें 3/5 है। अब ये क्या है, ये इसके जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। देखिए किस टाइप से, 5/6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर इसके सेम है तो आप बता दोगे, न्यूमरेटर से बता दोगे कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगा। अगर जो नहीं है उनके डिनोमिनेटर सेम, तो आप एक काम करोगे, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाकर कैसे, वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट। ठीक, क्या करेंगे हम, 5/6 का कर देंगे। ठीक है, 5/6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 5/6 का कितना होता है 30, एंड 12 में हम करेंगे 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना होगा 60, सिंस जो यहाँ 30 आया है वो लेस देन किससे, 60 से। और इस टाइप से हम इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं, ये 30 आपका किस में से आया है, इस टाइप, इसमें से, है ना। 5/12 इज लेसर देन, देयरफॉर राइट करना 5/12 5/6।
सिक्स, मतलब 5/6 है वो ग्रेटर है किससे, 5/12 से। ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आया है तो हम यह लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। ठीक है, ये इससे आया होगा। ठीक है, हमने जब 5 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, 12 में हमने 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाई है। इस टाइप से आपको करना है, 12 5 जो कितना होता है 60। तो हम देखेंगे 60 क्या है, ग्रेटर देन है 30 से। तो ये सिंस करके हमने बता दिया 30 इज लेस देन 16, तो देयर फोर जो 30 किससे आया, 5/12 से और 5/6 से। ठीक है, हमने इनको इस टाइप से कर दिया। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, आप 5 का 4 में करोगे, 9 का 3 में करोगे, पहले 5 का 4 में करो तो ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, तो 5/9 की वैल्यू आएगी, और 9 में 3 का करोगे तो आपकी इस टाइप की इस साइड का आपका आ जाएगा। फिर दोनों में कंपेयर करना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा ग्रेटर है कौन और लेसर। ठीक है, उस टाइप से आप फिर उसके बाद आप फ्रैक्शन को बता दोगे। इसी टाइप से आपको स्मॉलर करना है, जैसे आपने ग्रेटर किया था वैसे ही आपको बताना है ग्रेटर। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से बताना, वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी गेट। ठीक है, 3/8 का करना, पहले आप करोगे 3/5 का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 15 आएगा ना, एंड 8 में आप करोगे 4 का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 32। सिंस करके बता देना कि 15 इज लेस देन 32, और करके बता दोगे ये 3 3 मल्टीप्लाई 5 से आया है और ये आया है 8 मल्टीप्लाई 4 से, तो देयर फोर क्या है 3/8 इज लेस देन 4/5। बिल्कुल सिमिलर जैसा आपने ग्रेटर बताया था उसकी जगह आपको स्मॉलर बता देना है। ओके, ये आप करके देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं एक बार और समझा दूंगी। ठीक है, फोर्थ, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनके हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए पड़ता है ना। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जिनके डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो तो वो क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो अब हमें इनके डिनोमिनेटर सेम बनाना है, कैसे करेंगे हम ये देखिए आप। फोर्थ ए 7/8 5/14। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, हम पहले हम लेंगे द एलसीएम ऑफ 8 एंड 14, कितना आएगा आप रफ में लेंगे तो 56 आएगा। 8 एंड 14 का एलसीएम लोगे जब आप तो 56 आएगा। ठीक है, 7/8 पहले हम इसको देखेंगे, 8 का हम करेंगे इसमें डिवाइड, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, जो 7 आपका आएगा वो 7 का इसमें भी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। 7 7 जा 49, 8 7 जा 56 हो गया, एंड अब हम 5/14 को करेंगे सॉल्व, तो 14 का इसमें कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। ठीक है, 4 4 जा कितना होता है 56, तो 4 टाइम गया, 4 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 और 14 4 जा 56। अब इसके क्या बन गए हैं, ये आपको नीचे करना है इसके, मैं आप यहां राइट कर दे रही, हेंस द लाइक फ्रैक्शंस ऑफ 7/8 एंड 5/14 आर, कौन कौन से आ गए हमारे, 49/56 एंड 20/56। ये बन गए ना, दोनों के डिनोमिनेटर क्या होगा सेम होगा, तो वो कौन से फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन। इस टाइप से आपको लाइक फ्रैक्शन बनाना है, पहले आपको लेना है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, द एलसीएम ऑफ जो डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया 8 एंड 14, कितना आया 56। फिर हमने 7/8 को सॉल्व भी किया, जो आप डिनोमिनेटर उससे डिवाइड करते हो तो जो भी आपका आएगा वो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या हुआ, हमने मल्टीप्लाई किया, कितने टाइम गया था ये 7 टाइम गया, तो हमने 7 से न्यूमरेटर में देन डिनोमिनेटर,
ठीक है। फिर आपका ये आंसर 49/56 आ गया, ठीक है। 5/14 इसी टाइप से आपने इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो कितना आया, 4 आया। तो 4 का हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया इस, और आपने आंसर ये बता दिया कि हेंस द लाइक फ्रैक्शन ऑफ 7/8 एंड 5/12 आर 49/56 एंड 20/56। इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर का करवाऊंगी, डिसेंडिंग आप खुद करोगे, ठीक है। देखिए तो आप असेंडिंग ऑर्डर, फिफ्थ ए 2/5, 3/10, 7/15, ठीक है। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे, एलसीएम। द एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15, जब आप इसका रफ में एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30। 5, 10 और 15 का आप इस टाइप सिर्फ में एलसीएम लेना तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को पहले हम सेम बनाएंगे ना, तभी तो हम बता सकते हैं कि कौन, फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। 2/5, ठीक। तो अब हम ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 5, 6 जो कितने होते, 30। तो हम 6 का 2 में भी मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो 2, 6 जा 12, 5, 6 जा 30, ये हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे 3/10 का, 10 का कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 3 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में, 3, 3 जा 9, 10, 3 जा 30, ठीक। स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान से देखना है। अब क्या बचा आपका, एंड 7/15। अब हम क्या करेंगे, 15 का इसमें करेंगे कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 15, 2 जा 30। तो इसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में, तो 7, 2 जा 14, 15, 2 जा 30। अब हम क्लियरली क्या आया, अब आप बताओगी न्यू, इसके डिनोमिनेटर सेम बन गए ना, तो अब आप बता दोगी कि किसके असेंडिंग ऑर्डर में कैसा करते हैं हम, लेसर टू ग्रेटर। तो यहाँ सबसे छोटा क्या है, 9/30, ठीक। फिर इसके बाद 12/30, फिर 14/30। अब आपको देखना ये किससे आया है, देयरफॉर 9/30 3/10 से आया है, 12/30 2/5, 14/30 7/50। अब हम राइट कर देंगे, हेंस द असेंडिंग ऑर्डर इज, देखिए आप 3/10, 2/5, 7/50, ठीक। अगर आपको डिसेंडिंग पूछा होता तो सबसे पहले आप क्या राइट करते, 14/30, इस टाइप आ जाता वो, 14/30 इज ग्रेटर देन 12/30 इज ग्रेटर देन 9/30, इस टाइप से राइट करते आप जब आपसे पूछा जाता कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है। इस टाइप से पहले आप इनको क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, 3, 6 एंड 7 का एलसीएम लोगे रफ में, जो आपका एलसीएम आए, फिर आप 2/3 को सॉल्व करना, 5/6 को सॉल्व करना एंड 3/7 को सॉल्व करना। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 के ए जैसा आपको सॉल्व करते जाना, जिस टाइप से हमने ये वाला क्वेश्चन किया। अभी आपने असेंडिंग में इसको अरेंज किया था, अब आपको करना है डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग में आप ग्रेटर टू लेसर राइट करते हो, ठीक है, और असेंडिंग में लेसर टू ग्रेटर और डिसेंडिंग में ग्रेटर टू लेसर, बस इतना आप ध्यान रखोगे तो आपसे ये बन जाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रिप्लेस स्टार वाई ग्रेटर लेसर और इक्वल टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू।
आपको बताना है इसमें बीच में कौन सा साइन आएगा, ठीक है? तो आप सेवेंथ का फर्स्ट देखिएगा, 2/5, 5/3। इसमें आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हमें साइन बताना है क्या आएगा। तो हम 2 का करेंगे 3 में मल्टीप्लाई, 2 3 6, ठीक है। एंड हम 5 का करेंगे 5 में मल्टीप्लाई, 5 5 20, सिंस 6 इज लेसर देन 25, 6 हमारा किससे आया था, 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 2/, देयरफॉर 2/5 इज लेसर देन ये किससे, 5/3 से, बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है, सेकंड के जैसा है। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर पूछा था ना, तो आप हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते थे, उसी प्रकार से आपको ऐसे ये करना है, ठीक है। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने सिंस करके देन देयरफॉर 2/5 इज लेसर देन 5/3, तो यहाँ लेसर का साइन आएगा, ठीक है। या इस टाइप से आप सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कर लोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ओके। नाउ राइट 2 for 2 एंड F for false स्टेटमेंट। ये भी आपको रफ में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे, अगर ये इक्वल हुआ तो आप क्या कर दोगे, ट्रू। अगर ये इससे ग्रेटर हुआ तो क्या आएगा, ट्रू। इस ये आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। वैसे 4 6 24, 8 3 24, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो क्या आ जाएगा, ट्रू। अब आप 35 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे और 42 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये मल्टीप्लाई आपका ज्यादा आ रहा है तो ये ग्रेटर होगा, ठीक है, और अगर ये ज्यादा आ रहा है तो ये ग्रेटर। तो अगर इसमें साइन इसमें रॉन्ग लगा होगा तो आप फॉल्स लगा दोगे। पहले आप इसको इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, किस टाइप से, देख लो आप। इधर 7/9 दिया है आपको, और क्या दिया है, इक्वल 1 whole 1/7, तो देखेंगे हम 7/7 एज इट इज, 7 1 7, 7 में हमने 1 को ऐड किया, कितने होगा, 8/9। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 7 7 जा कितने होते, 49, और 9 8 जा, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, 9 8 जा 72, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा, इधर फॉल्स, ठीक। इस टाइप से आप इसको आप कर ही लोगे, 8 3 जा कितने होते, 24 24 में 2 को आप प्लस करोगे कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, ठीक है, 26/3। इस टाइप से आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, देन मल्टीप्लाई, फिर आप बता दोगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये सभी बेटा आप क्वेश्चन करके देखिएगा, प्रैक्टिस से ही आपसे बनेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन देखोगे और उसको सॉल्व नहीं करोगे तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होना स्वाभाविक है ना। तो आप 9th क्वेश्चन देखिएगा, ये आप सभी करके देखिएगा किस टाइप से करना, मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रोहन स्पेंड्स 8/11 ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। सोहन स्पेंड्स 9/11 ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रेस्ट। इफ बोथ गेट सम इनकम, हु स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज इनकम। क्या है, रोहन कितना स्पेंड करता है, 8/11 पार्ट, ठीक है, वो अपनी इनकम से, और ये सोहन करता है 9/11। तो हमें बताना है कि कौन ग्रेटर पार्ट क्या करता है, स्पेंड करता है। तो कैसे बताओगे, देखो इसके डिनोमिनेटर तो क्या है, सेम है, हम तो ग्रेटर और लेसर बताना है। तो क्या है, 8/, देखिए आप कैसा करेंगे, हम पहले हम राइट करेंगे, बट प्रॉब्लम है ये, इनकम स्पेंट बाय रोहन 8/11, इनकम
स्पेंड बाय सोहन 9/11. देयरफोर 8/11 इज लेस देन 9/11. ठीक है, तो कि कौन करता है कम 8/11, मतलब रोहन जो है वो कम करता है. ठीक है, तो ग्रेटर पार्ट किसका हुआ? सोहन का. हम इसको कैसे बता सकते? फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर, अगर इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है तो वो क्या होगा, फ्रैक्शन कैसा होगा, वो ग्रेटर होगा. ठीक है, तो हम राइट कर देंगे सोहन स्पेंड्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज इनकम. ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9th सॉल्व. ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th. इन एन ऑल इंडिया टूर्नामेंट नैनीताल वॉन 15/16 ऑफ द गेम्स इट प्लेड एंड देहरादून वॉन 3/4 द ऑफ द गेम्स इट प्लेड. इफ बोथ प्लेड सेम नंबर ऑफ गेम्स देन विच टीम हैज अ बेटर रिकॉर्ड, किस टीम ने बेटर रिकॉर्ड बनाया. तो पार्ट ऑफ द गेम्स, नैनीताल ने कितना पार्ट गेम का जीता, पार्ट ऑफ द गेम्स नैनीताल वॉन कितना, 15/16. अब हम राइट करेंगे पार्ट ऑफ द गेम्स देहरादून वॉन, देहरादून ने कितना 3/4. तो सब बैट रिकॉर्ड किसने बनाया ये हमें फाइंड करना है. तो पहले तो हम इसके डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे इनके डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम. एलसीएम ऑफ 16/4 कितना आएगा, 16 ही आएगा. देयरफोर 15/16, 16 से 16 वन टाइम जाएगा, 15 × 1 16 × 1 तो कितना आ जाएगा 15/16. एंड हम किसको सॉल्व करेंगे, 3/4 को 4 से करेंगे, इसमें डिवाइड कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम, 3 × 4 = 4, 4 = न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 × 4 = कितना होगा, 12, 4 × 4 = 16. ठीक है, क्लियरली 15 इज ग्रेटर देन 12, तो देयरफोर 15/16 इज ग्रेटर देन 12/16. और हम इसको इस टाइप से भी बताते ही रहे हैं, 15 ये किस में से आया है, 15/16 और ये आया है 3/4. सो हम राइट करेंगे आंसर, सो टीम ऑफ नैनीताल हैज अ बेटर रिकॉर्ड, किसने बेटर रिकॉर्ड बनाया, नैनीताल टीम ने. ठीक है, सबसे ज्यादा उसने ही 15/16. ओके, इस टाइप से आपका क्वेश्चन 10th सॉल्व हो गया है. यहाँ आपकी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है. जो भी आपको डाउट हो या जो भी आपसे क्वेश्चन ना बन रहा हो तो बेटा पूछ लेना. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5. तो जो भी आपको डाउट हो तो पूछ लेना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.